लड़के को कमर में दर्द था, डिस्क प्रॉब्लम, तो यहाँ डॉक्टर साहब से सर्जिकल ऑपरेशन करवाया तो फायदा है, हो गया उसका, तो काफ़ी मतलब फायदा है और 95% फायदा हो चुका है। इंडस्ट्री सर बढ़िया प्रोसीजर है, मतलब उससे अच्छा हुआ, मतलब एक साल से दर्द था, सारा दर्द गायब हो गया एक दिन में, मतलब 24 आवर्स में। यस, और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, मतलब दर्द नहीं हो रहा। तो आज हमारे पेशेंट हैं पवन जी। पवन जी 22 साल के हैं, और पवन जी आप हमें बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर जैसे कि मेरा स्लिप डिस्क हो गया पीछे, तो करीब सर एक साल से ये दर्द है, मतलब तो एक साल से मैं मेडिसिन वगैरह ले रहा हूँ तो उससे आराम नहीं हो रहा। मतलब एक साल से प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई थी आपको? सर मैंने एक बार वेट उठा लिया था ज्यादा। क्या वेट उठाया था आपने? एक पूरे बंदे को ही उठा लिया था। वो कितने किलो का रहा होगा वो? 75-80 केजीस के आसपास का था। अच्छा, तो 80 केजीस के वेट को उठाया, तब से आपको ये दर्द तब से स्टार्ट हो गया। अच्छा, दर्द आपको कौन से पैर में होता है? राइट पैर में। और कमर में भी होता है? सर कमर में भी होता है। मेन दर्द कमर में है या पैर में है? पैर वाला ज्यादा दर्द है। अच्छा, क्या काम करने से ये दर्द आपका बढ़ता है? सर ज्यादा चलने पे, ज्यादा बैठने पे, ज्यादा खड़ा होने पे दर्द ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है, तो जैसे अगर आप चलना चाहें, भागना चाहें, आधा एक किलोमीटर तो आप भाग पाएंगे? सर सर्दियों में सर तो नहीं हो पाता था, मतलब नहीं भाग पाते सर, मतलब इसमें भागने में दिक्कत है, भागने में, और चल भी नहीं पाता था, मतलब चल नहीं पाते, एक किलोमीटर मुश्किल से, क्योंकि पैर में दर्द शुरू हो जाएगा। अच्छा, और पैरों में कोई सुन्नाहट, झन्नाहट, चीटी कट होता था? सर्दियों में होता था, झन्नाहट होता था, मतलब और महसूस नहीं होता था, मतलब पैर में महसूस होने की दिक्कत आपको आती है? अच्छा, ठीक है। ये बताइए मेरे को कि आपको लैटरिन बाथरूम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट आपका साफ रहता है? हाँ जी, पेट साफ, पेट में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर आप आगे झुके तो कोई दिक्कत होती है? आगे मतलब पूरा नहीं झुक पाता, पूरा नहीं झुक पाते। तो ठीक है, पवन जी को इस तरह की दिक्कत है। पवन जी का हम लोगों ने MRI देखा है जिसमें L4 L5 पे बड़ी सी डिस्क है, और हम लोग पवन जी को का MRI दिखाते हैं आपको। तो इफ़ यू सी दी MRI, अगर आप यहाँ पे MRI पे देखेंगे तो ये देखिए बहुत बड़ी सी L4 L5 लेवल पे काफ़ी बड़ी डिस्क है जिसकी वजह से दबाव है। देखिए अगर आप यहाँ पे इस वाले लेवल पे देखें तो ये डिस्क काफी दबी हुई है, राइट साइड की एक नस है, राइट साइड की नस पे सारा दबाव है जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो पवन जी का मैं स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट कर रहा हूँ। पवन जी इस वाले पैर को उठाइए, दर्द आया, कहाँ दर्द आ रहा है? राइट साइड में दर्द आ रहा है, जबकि मैं लेफ्ट पैर उठा रहा हूँ। इसको कहते हैं क्रॉस्ड लेग SLR, ये टेस्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि आपकी राइट साइड की नस काफी ज्यादा दबी हुई है और सेंट्रल कंप्रेशन है। लेफ्ट पैर को उठाते हैं, राइट पैर को उठाते हैं जहां पे आपको ज्यादा दिक्कत है, बस दर्द हो रहा है पूरे पैर में है। अच्छा, इस पैर को मैं और, मतलब ये पैर इससे ज्यादा नहीं उठेगा, दर्द करेगा है, दर्द दर्द दर्द। तो दिस इज हार्डली 30 डिग्रीज पे पॉजिटिव है ये पैर, और काफी पेन इनको आ रहा है। ये पैर आप ऊपर नहीं उठा पाते ना दर्द की वजह से? ठीक है, अब एक बार मैं पावर चेक करूंगा। दोनों पैरों को अपनी तरफ खींचे, जोर से खींच के रखिए। अब देखिए अगर हम कंपैरिजन करें, बस ले लीजिए, अगर हम कंपैरिजन करें, ये वाला पैर आप नहीं खींच पा रहे, इसमें ताकत की कमी है रिलेटिवली, ये वाला पैर में पावर इनकी कम लग रही है रिलेटिवली। ठीक है पवन जी, एक बार पलट जाइए। ठीक है पवन जी, यहां तो कोई दर्द नहीं होगा? नहीं। और यहां? नहीं, ये इस जगह में दर्द आता है आपको? पवन, अब आपकी एंडोस्कोपी होने वाली है, आप एंडोस्कोपी कराने आए हो, कहाँ से आए हो आप? गोरखपुर से। तो गोरखपुर से मेरे बारे में कैसे पता चला इतनी दूर से? इंटरनेट से, मतलब। अच्छा, इंटरनेट से पता लगा लिया आपने? कि YouTube पे देखा था और YouTube पे देखा था, मतलब।
आपको पता लगा कि हम एंडोस्कोपी करते हैं, तो एंडोस्कोपी से आपको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर थोड़ा बहुत, थोड़ा डर लग रहा है। तो चलो फिर हम आपसे बात करेंगे एंडोस्कोपी के बाद, ठीक है? ठीक है। तो आप राइट लेग में पेन था ना, और लेफ्ट में, लेफ्ट पैर भी ऊपर नहीं उठ रहा था, लेफ्ट पैर ऊपर उठा के देखते हैं। उठाओ। अब आप दर्द जा रहा है उल्टे पैर में? नहीं जा रहा, ठीक है। अब ये पैर तो ऊपर उठ ही नहीं रहा था, इसको उठाओ, आराम से उठाओ। अब कोई दिक्कत इस पैर में? नहीं। कितनी देर हुई तुम्हारे प्रोसीजर को? 5 मिनट हुए ना, तो 5 मिनट पहले इनका हमने प्रोसीजर किया है। नाउ यू कैन सी द स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट इज नॉर्मल, आराम से पेशेंट उठा पा रहा है दर्द को, पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। SLR इज नाउ नेगेटिव, ठीक है। तो पवन का हम लोगों ने एंडोस्कोपी किया, पवन आपका एंडोस्कोपी हमने कल किया था, स्पाइन एंडोस्कोपी हम लोगों ने किया आपका। आपको पहले कहाँ दर्द होता था? पहले ये पैर में दर्द होता था, पैर में दर्द। चलते थे तो दर्द होता था? हाँ, चलते समय ज्यादा चलने का दर्द होता था। अच्छा, ओके। तो अभी प्रोसीजर के बाद आपको जो पहले वाली जो कंप्लेंट्स थी वो हैं? नहीं, अभी तो दर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। कितने परसेंटेज आराम आपको पैर में के दर्द में आ गया है? 95% आराम आपको प्रोसीजर के बाद है। बढ़िया प्रोसीजर है, मतलब उससे कमर में दर्द था, डिस्क प्रॉब्लम, तो यहाँ डॉक्टर साहब से सर्जिकल ऑपरेशन करवाया तो फायदा हो गया उसका, तो काफी मतलब फायदा है और 95% फायदा हो चुका है, और उसके लिए मतलब और कोई तकलीफ नहीं है, बाकी सब ठीक है। मैं पहले गोरखपुर में दिखाया, उसके बाद लखनऊ में, तो डॉक्टर साहब ने सलाह दिया कि ऑपरेशन नहीं करवाना है और इसका दवाई से ठीक करना है, तो दवाई से हमने करीब 1.5 साल तक दवाई कराया और उसका फायदा नहीं महसूस हुआ, तो इसलिए डॉक्टर साहब के पास आए, हमने ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर साहब ने, और अभी ठीक है सर। हाय, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है, मैं कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन हूँ और मैं बोन हॉस्पिटल आगरा में कार्यरत हूँ और JP हॉस्पिटल नोएडा में भी एज अ कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन काम करता हूँ। तो एंडोस्कोपी के बारे में हम मैं बता रहा हूँ कि स्पाइनल एंडोस्कोपी एक नई तकनीक है जिसके माध्यम से हम बिना ऑपरेशन के सिर्फ एक टाँके की मदद से किसी की डिस्क की समस्या को हल कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं। ऐसे ही एक केस है पवन जी जो कि गोरखपुर से हमारे पास आगरा आए हैं एंडोस्कोपी कराने, और हमने उनकी एंडोस्कोपी करी कल, और आज वो छुट्टी होकर घर भी जा रहे हैं। उनको 100% पेन रिलीफ, ऑलमोस्ट 95-100% पेन रिलीफ आ चुका है। ये बहुत ही कारगर सर्जरी है और इसे काफ़ी दूर दूर से लोग हो रहे हैं। इस सर्जरी में कोई भी डरने की जरूरत नहीं होती क्योंकि टांके लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बेहोशी देने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। Thank you.